आपकी आत्मा को शांति दे। वाह क्या बात है, इतनी महंगाई में कोई तो है जो मुझे कुछ देने दिलाने की बात कर रहा है। सलूट है ब्रदर, बट अगर भगवान ने मुझे शांति नहीं दिया ना तो मैं आपकी वाली शांति छीन लूंगा। बड़ा हरामी आदमी हूँ मैं। भगवान आपको शांति का नंबर दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, ये तो हमसे भी बड़ा हरामी है बे। कोई भी चीज लिख रहे हो ना तो उसको पूरा लिखा करो, कि मोबाइल नंबर कि जूते का नंबर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आज हम एक बार फिर से आ गए मुंह उठा के मेरी मौत का तमाशा देखने। अबे साले तो क्या हाल है? ठीक है, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि पिछले 8-10 दिन से मैं कोई वीडियो ही नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी हूँ, एडजस्ट कर लेना। थोड़ा सा बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। यूजर नाम नहीं है इनका, लिखते हैं झंड जी, पवन सिंह के नामांकन में खेसारी भैया के पिताजी गए थे और पवन सिंह बोल रहे थे कि सब पर भारी एक ही बिहारी, वो पवन और खेसारी, इस बात से आप सहमत हैं? काहे नहीं सहमत होंगे भैया, डायलॉग ही हमारा है। इस डायलॉग को सबसे पहले बोलने वाले हम ही हैं। हम लेकर आए हैं दो बिहारी जो पढ़ते हैं सब पर भारी, नाम है पवन और खेसारी। बोलो का हाल बा ठीक है। चैनल पे जाइए, इस वाले वीडियो को ढूंढिए, इसमें आपको ये डायलॉग मिल जाएगा। अगला सवाल पुरुषोत्तम प्रियदर्शी पर्सनल लिखते हैं झंड जी, पहली बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या खेसारी लाल के चले जाने से भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? भैया पूरा दुनिया में जलजला आ जाएगा, सुनामी पे सुनामी प्रलय आ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में पड़े हुए हो। अगला सवाल रघु चौहान ऑफिशियल लिखते हैं झंड जी, अगर पवन सिंह आपको बुलाएं तो क्या आप जाओगे चुनाव प्रचार के लिए? आंसर प्लीज। पहली बात तो ये है कि हमको कहे बुलाएंगे, और हमारे जाने से ही उनको का फायदा हो जाएगा। अब हम कौन सुपर स्टार तो है नहीं कि लोग हमको देखने आएंगे और हम उनसे कहेंगे कि पवन सिंह को वोट देना तो लोग दे देंगे है। लेकिन फिर भी अगर बुलाते हैं तो काहे नहीं जाएंगे, काम ही क्या है मेरा। खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं सचिन सावरिया, लिखते हैं झंड जी नमस्कार, अगर आपको कोई बोले कि भोजपुरी सिनेमा में एक चीज बदलना है तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे? जवाब जरूर दीजिएगा, लव यू। तो देखो भैया, अगर मेरे पास इतनी पावर हो कि भोजपुरी सिनेमा में कुछ बदलने के लिए, तो सबसे पहले मैं सिंगर से हीरो बनने का रिवाज बदल दूंगा। जो सिंगर है वो सिंगिंग करो, एक्टिंग वही करेगा जिसको एक्टिंग आती होगी। एल्बम में पिछवाड़ा हिला लेने से एक्टर समझना बंद करो अपने आप को, ठीक है। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं रोमियो यादव, लिखते हैं भैया कुछ आप ध्रुव राठी के बारे में बोलो। ध्रुव राठी के बारे में मैं बोलूं? ये तो फिर हाथी के सामने कुत्ता भौंकने वाली बात हो जाएगी भाई, कहाँ वो कहाँ मैं। जब दो बराबरी के लोग एक दूसरे की बात करें तो बात समझ में भी आता है, तो उन दोनों के बीच में तार्किक बातें होती हैं। अब एक खूब ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी के सामने एक गंवार आदमी बैठा के बहस कराओ, उसका क्या निर्णय कुछ निकलेगा? खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं रोय बॉय मनीष, लिखते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज थोड़े 19-20 होते हैं, एक्चुअल राइट कोई ना है, फिर भी कौन सा ठीक ठाक है आपके अकॉर्डिंग? आप ध्रुव राठी सर वीडियो देखते हैं, ही इज राइट और रॉन्ग? तो भैया देखो, पहली बात तो ये है कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी पढ़े लिखे इंसान को जज करूँ कि वो राइट है या रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्ड मुझे समझ में ही नहीं आते हैं, ठीक है, मैं प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा हूँ। हाँ वीडियो में देखता हूँ ध्रुव राठी का, पसंद आता है। दूसरी बात कि कौन सी पार्टी कैसी है, सब में कुछ कमियाँ हैं कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं किसी पार्टी को देख करके वोट दूं। वोट देने के लिए अपना उम्मीदवार देखना चाहिए कि मेरे यहाँ से, मेरे क्षेत्र से जो उम्मीदवार खड़ा है, जितनी भी पार्टियों के जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से बेस्ट कौन है, वो किस पार्टी का है वो छोड़ दो। आपके घर में कोई काम होगा तो पार्टी नहीं आएगी देखने के लिए, वही उम्मीदवार आएगा या उसी उम्मीदवार के पास आपको जाना पड़ेगा जिसको आपने वोट दिया है। पार्टी कार्यालय में जाओगे जूता मार के खदेड़ दिए जाओगे, ठीक है। तो पार्टी छोड़ो, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं आपके क्षेत्र में उनमें देखो कौन बेस्ट है, कौन पढ़ा लिखा है, किसका व्यवहार कैसा है, किसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, अगर इनमें से पहले कोई रहा है विधायक या फिर सांसद तो उसका काम कैसा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप
चूज कर सकते हो कि मैं किसको वोट दूं। पार्टी के हिसाब से वोट देना मेरे ख्याल से मूर्खता है, ठीक है। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं इंस्टा रील एंड टिकटॉक हैं। पवन सिंह से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री डरती क्यों है? अच्छा झंड जी, ऐसा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ चुनाव लड़े थे तब सिर्फ पवन सिंह ही उन लोगों को सपोर्ट किए थे, और आज जब पवन सिंह खड़े हैं चुनावी मैदान में तब पूरे इंडस्ट्री के स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में है। देखो, पहली बात ये है ना कि पहले किसको किसने सपोर्ट किया है आपने देखा नहीं होगा, ठीक है ना। निरहुआ के चुनाव प्रचार में पूरा भोजपुरी उलट के चला गया था, कोई नहीं बचा था सिर्फ खेसारी के अलावा, ठीक है। वही हाल था रवि किशन के भी चुनाव प्रचार में, वही हाल था मनोज तिवारी के भी चुनाव प्रचार में। आप जो डरने वरने की बात करें सब फालतू बातें हैं, ठीक है ना। बात ये होता है कि अपनापन, आप जिस इंडस्ट्री में होते हो, जिनके साथ आपका लगाव होता है, परिचय होता है, उनके साथ आप काम करते हो, तो एक अपनापन आ जाता है, उस अपनेपन के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। मैं कभी भी पॉलिटिक्स पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन जब से पवन सिंह पॉलिटिक्स में उतरे हैं मैं लगभग 5-7 वीडियो बना चुका हूँ। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली मैं भी इसी इंडस्ट्री का हूँ ना, इसी इंडस्ट्री पे वीडियो बनाता हूँ, तो अपना भी तो एक इमोशनली लगाव है ना। मैं किसी और पॉलिटिशियन के बारे में क्यों बात नहीं करता? क्योंकि वो पॉलिटिक्स हो जाएगा फिर। लेकिन पवन सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि पवन सिंह से एक जुड़ाव है सबका, इस वजह से। वही स्टार लोग किसी दूसरे का प्रमोशन के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं जो स्टार पवन सिंह के प्रमोशन में जा रहे हैं? अगर उनको किसी पार्टी से लगाव होता तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी में जितने भी लोग हैं सबके चुनाव प्रचार में जाते है ना, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं। सिर्फ पवन सिंह के चुनाव प्रचार में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पवन सिंह से इमोशनली लगाव है सबका, व्यवहार है अपना, तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपके साथ मेरा व्यवहार अच्छा है तो जाहिर सी बात है आप चुनाव लड़ेंगे, मैं जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा भाई। बाकी ये डरने वरने की बात, ये सब फालतू की बातें हैं, इस तरह से नहीं लिखा जाता। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं अनूप यादव, लिखते हैं झंड जी प्रणाम, गाने का व्यूज कैसे बढ़ाएं? तो भैया देखो, ऐसा है कि यूट्यूब कोई मशीन नहीं है कि आप हैंडल मार के व्यूज बढ़ा दोगे, ठीक है। यूट्यूब पर वही चलेगा जो पब्लिक को पसंद आएगा, चाहे वो इंटरटेनिंग हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो कंटेंट बहुत ही ज्यादा क्रिंज ही क्यों ना हो, ये टेंगे टेंगे पेंगे पेंगे तक वायरल हो जाते हैं। यूट्यूब पर कब कैसा कंटेंट चलता है वो यूट्यूब खुद भी नहीं जानता, ठीक है ना। ये पब्लिक के मूड के ऊपर है कि वो कब क्या सुनेगी, कब क्या देखेगी। यूट्यूब पर ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिससे आप किसी की वीडियो या गाने पर व्यूज बढ़ा सकते हैं। हाँ, ऐड लगवा लीजिए, यही एक तरीका है व्यूज बढ़ाने का, उसके अलावा कुछ नहीं। रॉकी आर्या लिखते हैं, ब्रो खेसारी लाल का सॉन्ग तो आ रहा है पर पहले जैसा व्यूज नहीं आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है? ये प्रॉब्लम सिर्फ खेसारी लाल की नहीं है, लगभग सभी के साथ ऐसे ही हो रहा है, पहले के मुकाबले व्यूज कम आ रहे हैं। इसका कोई एक रीजन नहीं है कि आप बता दो कि हाँ बस इसकी वजह से हो रहा है, कई सारे रीजन हैं। इसी में IPL चल रहा है, इसी में चुनाव चल रहा है, और सबसे बड़ी जो वजह है ना वो है यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब का अपना खुद का एल्गोरिदम। यूट्यूब अपने शॉर्ट फॉर्म जो है उसका, शॉर्ट प्लेटफॉर्म जो है उसको प्रमोट करना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि जो 3 मिनट से छोटी वीडियो है उसको और छोटी करके 1 मिनट का बना करके शॉर्ट्स में अपलोड करें, यूट्यूब ये चाहता है। इसीलिए यूट्यूब अब 3 मिनट से छोटी वीडियो को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, ज्यादा सजेशन में भी नहीं भेज रहा है वो। बाकी जो 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियो होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो आज भी जैसे पहले चल रहा था आज भी वैसे ही चल रहा है। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियां इसके लिए कंप्लेन भी कर रही हैं यूट्यूब को कि भाई म्यूजिक तो इतना ही छोटा होता है, उसको हम कैसे खींच के लंबा कर सकते हैं। तो यूट्यूब ने कहा है कि हाँ हम इस पर विचार कर रहे हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, हाँ, उन लोगों के कंटेंट पर कोई असर नहीं पड़ा है जो या तो खूब ज़्यादा फेमस है या फिर किसी वजह से खूब ज़्यादा चर्चा में है, ऐसे लोगों के कंटेंट पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। उनके कल जैसे व्यूज आते थे आज भी वैसे ही व्यूज आ रहे हैं। अब जैसे पुष्पा 2 का टीजर आया, उसका एक गाना आया, दबा के चला, टीजर तो बहुत छोटा था फिर भी चला, क्योंकि पुष्पा 2 खूब ज़्यादा चर्चा में भी है और उसका हीरो खूब ज़्यादा फेमस भी है, तो ऐसे लोगों के कंटेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो लोग फेमस नहीं है वो कोशिश करें कि भैया अपना वीडियो थोड़ा बड़ा बनाए। खैर, अगला जो सवाल है लाल बाबू कुमार यादव लिखते हैं, भोजपुरी में बायोपिक मूवी क्यों नहीं बनती है, रिप्लाई जरूर देना। तो भाई देखो, पहली बात तो ये है कि जिसका भी आप बायोपिक बनाएंगे उसके जीवनी के बारे में पूरा स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और जो रिसर्च करेगा वो पढ़ा लिखा आदमी भी होना चाहिए। और दूसरी बात, जिसका बायोपिक आप करेंगे, जो भी करेगा, जो एक्टर करेगा, जिसकी भी बायोपिक करेगा,
उसके टोन में बात भी करना पड़ेगा, उसके जैसा दिखना भी पड़ेगा, वैसा मेकअप भी करना पड़ेगा, तो उस लायक एक्टर भी ढूंढना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के लिए एक लंबा वक्त लगेगा, सालों लग जाएंगे एक फिल्म बनाने के लिए। और भोजपुरी वाले साल में 15-20 फिल्में बनाते हैं, तो वो एक फिल्म से संतुष्ट हो पाएंगे? तो इस वजह से बायोपिक नहीं बनती है। खैर, अगला जो सवाल है, लिखने वाले हैं रमेश कुमार, लिखते हैं, झंड जी मेरा एक सवाल है कि खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि सभी जितने भी भोजपुरी एक्टर नेता बन गए हैं और भोजपुरी को छोड़ दिए, कहीं ना कहीं भोजपुरी को कमज़ोर कर दिए हैं, सही बात है क्या? आप अपनी राय जरूर दें प्लीज़। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है ना, कमज़ोर तो उसको किया जा सकता है ना जो पहले से मजबूत होता है, जो पहले से ही बैसाखी पर लुटुक लुटुक कर रहा है, उसको और कितना कमज़ोर करोगे आप? अगर ये इंडस्ट्री पहले इतना ही मजबूत रही होती तो कोई क्यों छोड़ के जाता? पागल कुकुर काटा था उसको, इसीलिए छोड़ के पॉलिटिक्स में जा रहा है ना कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। खैर, अगला जो सवाल है, शुभम पांडे लिखते हैं, झंड जी भोजपुरी में सबसे ज़्यादा फैन किसके हैं? मेरा मानना है कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल जी का। तो जब आपका मानना है तो फिर आप हमारा टाइम काहे खोटी कर रहे हैं भैया, मान लो और इन्जॉय करो। खैर, अगला सवाल प्रशांत कुमार लिखते हैं, पवन सिंह के नॉमिनेशन में खेसारी लाल क्यों नहीं गए थे? हो सके तो जवाब जरूर दीजिएगा। भाई देखो, ऐसा कोई कानून है क्या कि खेसारी लाल को पवन सिंह के चुनाव प्रचार में जाना ही पड़ेगा? भाई वो लोग स्टार हैं, उनके बहुत सारे पर्सनल रीजन होते हैं, हो सकता है कि टाइम ना हो, किसी प्रोड्यूसर को उन्होंने डेट दिया हो, किसी काम में बिजी रहे हों, या फिर उनको इन्वाइट ही ना किया गया हो, या फिर हो सकता है कि प्रशासन से परमिशन ही ना मिला हो, बहुत सारे रीजन हैं। कहीं पर भी एक भारी भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन से परमिशन लेना होता है, तो जाहिर सी बात है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव ये लोग बड़े स्टार हैं, अगर ये दोनों एक जगह पर आ जाएंगे तो हो सकता है कि भारी भीड़ आ जाए, फिर उनको कंट्रोल कौन करेगा? प्रशासन को ही करना पड़ेगा ना। तो हो सकता है कि खेसारी लाल यादव को बुलाने के लिए प्रशासन ने परमिशन ही ना दिया हो, बहुत सारे कारण होते हैं। अब इसमें से कौन सा कारण है यहाँ पर हमें नहीं पता, लेकिन जाना ही चाहिए था, ये जरूरी थोड़ी है भाई। बुलाने वाले की अपनी मर्जी है कि वो बुलाना चाहता है कि नहीं बुलाना चाहता है, जाने वाले की अपनी मर्जी है कि वो जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है, सिंपल है। खैर, अगला जो सवाल है, लिखने वाले हैं, यूजर नाम नहीं है इनका, लिखते हैं, झंड जी राजन सिंह मुकुट ने पवन सिंह का संपत्ति लगभग 20-25 करोड़ बताया, बट गूगल पर 65-70 करोड़ दिखाता है। तो भाई देखो, जो गूगल पर दिखा रहा है या फिर कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो में बता रहा है, वो सारे आंकड़े अनुमानित होते हैं। जो भी वीडियो बना रहा है वो वीडियो एंकर का अपना अनुमान होता है, या फिर किसी वेबसाइट पे छपा हुआ है तो वेबसाइट पर जिसने भी लिखा है उसका अपना अनुमान होता है। देखा जाता है कि हाँ भाई, इतने करोड़ की गाड़ी में फलाना घूम रहा है, इतने करोड़ का लगभग घर होगा इसका, और लगभग एक गाने का इतना करोड़ लेता है, महीने में इतना गाना गा देता है, महीने में इतनी फिल्में आ जाती हैं, तो फिल्म का फीस इतना है, तो जोड़ घटा करके लगभग इसकी इतनी संपत्ति या इतना पैसा इसके पास होगा, वो एक लमसम आंकड़ा होता है। तो जिसको जितना लगता है कि हाँ इसके पास इतना पैसा होगा, वो उतना बताता है। क्या पवन सिंह ने इन लोग को आके बताया कि मेरी इतनी संपत्ति है? जिसकी संपत्ति होती है, असल में उसके पास कितनी संपत्ति है, वो सिर्फ उसी को पता होता है, उसके अलावा किसी को भी पता नहीं होता। हाँ, अगर कोई चुनाव लड़ने जा रहा है, जैसे पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी संपत्ति और अपने पैसे का ब्यौरा देना होता है कि आपके पास कितना माल खजाना है, लेकिन कोई भी प्रत्याशी कभी भी अपना सही ब्यौरा नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो कि एक फैमिली है जिसमें चार लोग रहते, उन चार लोगों के पास एक एक कार है, और उन चार लोगों के में से एक आदमी अगर चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, तो जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देगा उसमें वो एक ही कार लिखेगा, क्योंकि वो एक ही कार उसके नाम से है, बाकी तीन कारें उसके माता के नाम से होगी, या उसके बच्चे के नाम पर होगा, या उसकी वाइफ के नाम पर होगा, तो वो उसकी संपत्ति में काउंट नहीं होगा। वैसे ही ज़मीन, अब मान लीजिए हमने चार जगह पर ज़मीन खरीद लिए, एक जगह की ज़मीन हमारे नाम पे है, एक जगह की ज़मीन हमारे माता के नाम पे है, एक जगह की ज़मीन हमने अपने फादर के नाम पे कर दिए, तो जब मैं चुनाव लड़ने के लिए जाऊंगा तो वहाँ पर मैं अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दूंगा, तो उसमें मेरे नाम पे जो ज़मीन है मैं सिर्फ वही लिखवाऊंगा, लेकिन इनडायरेक्टली उन तीनों ज़मीनों का मालिक तो मैं ही हूँ ना। तो हो सकता है पवन सिंह ने जो अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया होगा वो इतना ही दिया होगा, लेकिन पवन सिंह के पास इनडायरेक्टली और भी संपत्ति है, बहुत है, कुछ माता के नाम पे होगा, कुछ वाइफ के नाम पे होगा, है?
तो ऐसे ही है, सोशल मीडिया पे जो भी आंकड़े होते हैं वो सब अनुमानित आंकड़े होते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। एग्जैक्ट नंबर वही बता सकता है जिसकी वो संपत्ति है। खैर तो आज के लिए इतना ही, देख लो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट कमेंट में लिखना कि क्या पसंद नहीं आया। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।